वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से तहसील तौंसा से आए वफद की मुलाकात। वफद ने वज़ारत-ए-आला का मनसब संभालने पर सरदार उस्मान बुज़दार को मुबारकबाद दी। आपको ताज़ा तरीन तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से तहसील तौंसा से आए वफद की मुलाकात हुई है और वफद ने वज़ारत-ए-आला का मनसब संभालने पर सरदार उस्मान बुज़दार को मुबारकबाद भी पेश की है। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से तहसील तौंसा से आए वफद की मुलाकात हुई और इस मुलाकात में वफद ने वज़ारत-ए-आला संभालने पर सरदार उस्मान बुज़दार को मुबारकबाद भी पेश की है। आकिब तनवीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। आकिब तनवीर, अहवाल बताइएगा इस इजलास का। जी बिल्कुल, जो मुलाकात हुई है सीएम पंजाब से, इस हवाले से उन्होंने मुबारकबाद भी पेश की है। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार को इस हवाले से, जो वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार है उनकी जानिब से नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया और उनकी जानिब से खराज तहसीन भी पेश किया गया है। और बड़ा वाजे ये भी पैगाम दिया गया है कि जो तब्दीली है वो इमरान खान ही लेकर आएंगे और तमाम कौम और मुल्क जो है वो मिलकर ही तब्दीली के लिए काम करेंगे और पसमानदा इलाकों से तरक्की का आगाज किया जाएगा और जितने भी जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के काम हैं उनके जो प्रोजेक्ट है वो भी शुरू किए जाएंगे और इसके साथ साथ जो करप्शन का नसूर है उसको भी खत्म किया जाएगा। करप्शन के खात्मे के बाद ही तब्दीली जो है वो आएगी। शुक्रिया आकिब तनवीर आपका।